जय श्री सीताराम। ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या फिर कुंडलियां देखते हैं या समय समय पर दिखाते रहते हैं, थोड़ा बहुत ज्योतिष को समझते हैं। देखें, एक प्रश्न कई बार मन में आता है कि क्या कोई ग्रह कुंडली में, लग्न कुंडली में खराब है, और यदि कहीं उसकी महादशा आई तो वो अच्छे फल दे सकता है क्या या खराब ही फल देगा। मैं कई बार ऐसी कुंडलियां देखता हूं जिसमें खराब ग्रह की महादशा चल रही होती है, लेकिन फिर भी उस इंसान को अच्छे फल उसके जीवन में मिल रहे होते हैं। और ऐसी ऐसी कई कुंडलियां आप ले सकते हैं, और कई बार लोग ये कहते मुझे मिलते हैं और दिखते हैं कि वो व्यक्ति को तो, फला फला व्यक्ति को तो वो ग्रह छठे स्थान पर बैठा, फिर भी उसमें छठे स्थान पर बैठे हुए ग्रह की दशा में उसने बहुत अच्छे फल अपने जीवन में अर्जित किए, तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों हुआ? तो हाँ, कई बार लग्न कुंडली के ग्रह खराब हैं, लग्न कुंडली में खराब बैठे हैं, तो भी जातक को अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो जाता है। कौन से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहली बात तो आप ये समझिए कि केवल लग्न कुंडली ही सब कुछ नहीं है, हाँ, सूक्ष्म कुंडलियां भी मायने रखती हैं। दो बातें बताऊंगा, ये पहली बात कह रहा हूं। तो हो सकता है कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह खराब जाकर के बैठा हो, लेकिन मान के चले कि दशमांश कुंडली में वही ग्रह किसी कोई अच्छा योग बना रहा हो, लग्न पर बैठा हो, उसी लग्न का कुंडली हो, जिस जो ग्रह है वही स्वामी हो उस कुंडली का, बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो, तो वह इंसान हो सकता है काम काज में प्रतिष्ठा हासिल करने में बहुत अग्रणी हो, है ना। लेकिन चूंकि लग्न कुंडली में वो ग्रह खराब बैठा है, तो उसे कुछ ना कुछ खराब फल भी देखने को कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो कोई क्षेत्र उस इंसान का अच्छा हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म कुंडलियां देखना भी जरूरी है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, दूसरा एक और रास्ता है कि किसी इंसान को लग्न कुंडली में भी वो ग्रह खराब बैठा हो, सूक्ष्म कुंडली में भी खराब बैठा हो, और उसकी महादशा चल रही हो तो भी अच्छे फल मिले, और वो है, वो योग है, मैं कहूंगा वो योग है विवाह के पश्चात भाग्योदय या संतान के पश्चात भाग्योदय। जब किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि वो शादी के बाद में बहुत प्रगति करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे, या संतान के बाद में बहुत प्रगति करेंगे। तो यदि किसी को खराब ग्रह की महादशा चल भी रही है और उसे खराब फल मिल भी रहे हैं और उसकी शादी करा दी, तो उसका हो गया भाग्योदय, और जब उसका हो गया भाग्योदय या संतान हो गई तो उसके बाद हो गया उसका भाग्योदय, तो वो जो खराब ग्रह है वो अपने खराब ग्रह का प्रभाव कम करके, खत्म करके, वो भाग्योदय जो है अच्छे फल देना शुरू कर देगा। या मान के चलें कि अभी शादी हुई है और अगले साल से कोई खराब दशा लगने वाली है, अभी चिंता में है कि बाबा खराब दशा लगने वाली है, फला फला एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दिया था कि ये ग्रह आपकी कुंडली में खराब बैठे हुए हैं, और देखा एक साल निकल गया, दो साल निकल गया, पांच साल निकल गया, मुझे तो उन्नति ही देखने को मिल रही है, ये तो कुछ भी गड़बड़ प्रेडिक्शन था। नहीं, एक्चुअली जिसने प्रेडिक्शन दिया उसने सिर्फ आपकी कुंडली देखी, आपका कुंडली में बैठा हुआ खराब ग्रह देखा, हो सकता था आपके विवाह या संतान के पश्चात भाग्योदय के योग आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बन रहे होंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ी और सबसे खास वजह होती है। अच्छा, ये दो बातें मैंने आपको मुख्यतः बताई। चौथी बात जो मैंने पाई है और जो बहुत कम पाई है, ये नॉर्मली होता नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, सामान्य तौर पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवत कृपा होना, मतलब आपको मैं बताऊं, लाख में एक कुंडली ऐसी हो सकती है जिसमें खराब ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन उसके उनके माता पिता के कर्म इतने अच्छे हैं, दादा दादी के कर्म इतने अच्छे हैं, या खुद के कर्म कहीं ना कहीं, या खुद में जो हम कहते हैं ना पिछला जन्म, तो वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा है कि उसको अच्छे फल मिल रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मली, फिर मैं कह रहा हूँ नॉर्मली नहीं होता, ये 1,00,000 कुंडलियां मैं देखूंगा तो उसमें से एक कुंडली में ऐसा होगा। तो बहुत 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 एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं भगवत कृपा, कि भैया देखो भगवत कृपा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम मार्कंडेय ऋषि के बारे में पढ़ते हैं, 5 वर्ष तक की उनकी आयु थी, लेकिन उन्होंने भगवत कृपा प्राप्त करके अपनी आयु को 1,000,000 साल की कर ली,
तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तपस्या, कुछ ना कुछ भगवत कृपा भी हो सकती है, लेकिन बहुत 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 रेयर होती है। सामान्यतः जो दो बातें पहली मैंने आपको बताई है, वो दो बातें ही ध्यान रखने की होती है, और वो दो बातें ही दो ही योग होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कहीं आपके मन में प्रश्न आए कि क्या मेरी आने वाली दशा खराब है, या फिर चल रही दशा खराब है, और आपकी शादी नहीं हुई, आपका बच्चा नहीं हुआ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका आने वाला पीरियड बहुत अच्छा हो जाए, कुछ योग हो, है ना, ऐसे भाग्योदय वाले या उन्नति वाले, हो सकता है। आपकी कुंडली देखना पड़ेगी, आप खुद भी देख लीजिए इसे, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैंने कईयों वीडियो बनाए हैं इस पर कि विवाह के पश्चात, संतान के पश्चात भाग्योदय कैसे देखा जाए, है ना। तो आप बिल्कुल वो वीडियोस भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं ज्योतिष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के सूर्य से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।